इंग्लैंड तक भी गई है। अच्छा। तो वहाँ से भी बहुत लोगों ने खरीदने की कोशिश की लेकिन मैंने नहीं बेची। किसी ने लाख की, किसी ने 2 लाख की, किसी ने 10 लाख की, लेकिन मैंने कहा कि मैंने नहीं। कितनी करवाई है? मैंने 10 लाख तक हुई थी इंग्लैंड में। फिर उनको तख्तियों के ऊपर पहले मैंने खत लिखना सिखाया कि मैं वो चैनल कहीं निकाल के देखूं जिसमें मेरे मतलब की कोई चीज़ें हों, क्योंकि मैंने कभी ड्रामे और फिल्में मैंने नहीं देखी। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि उसी टीवी मैं हूं आपकी होस्ट अफ्सा मलिक। कहा जाता है कि न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से न्यू जनरेशन ख़राब हो रही है, लेकिन मेरे साथ एक ऐसी खातून मौजूद है जिनकी उम्र 80 साल है। उनका नाम सदीका सुल्ताना है और वो यूट्यूब से सीखा है उन्होंने सारा क्राफ्ट, और अब वो बच्चों को सिखा रहे हैं। और जानेंगे कि ये काम उन्होंने कब से सीखा और कैसे यहाँ उनका रुझान बढ़ा। आसान आंटी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, मेरा हाल बहुत अच्छा है, माजी पूछो। आंटी मुझे ये बताएं कि बच्चों को तो मना किया जाता है कि टैब यूज़ ना करो, लेकिन आपने टैब से सीख कर क्राफ्ट बनाने शुरू किए, कैसे ऐसे शौक चढ़ा? मैंने ये चीज़ें जो है चीज़ें बनाती हूँ, मैं ड्रामे और फिल्में नहीं देखती। अच्छा। तो ये कैसे आपका रुझान पैदा हुआ क्राफ्ट? मैं तो ये वो एक प्रोग्राम होता था सऊदी अरब के एक चैनल पे। अच्छा। वहाँ पे मैं देखती थी तो मुझे शौक पैदा हुआ कि मैंने बीड्स का काम कभी किया नहीं, ना क्रोशिया का किया, मैं दोनों ये भी चीज़ें सीख लूँ। तो मैंने उस चैनल से फिर ये दोनों चीज़ें सीखी। उसके बाद मैंने प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस करके फिर मुझे बहुत सारी चीज़ों का पता चल गया, हुनर मेरे हाथ में आ गया, फिर मैंने ये बहुत सारी चीज़ें बनाई। तो क्या क्या बना लेती हैं आप? इसमें हर चीज़ मैं बना लेती हूँ, जो भी किसी की फरमाइश हो वो भी बना लेती हूँ। तो जो मैं अपनी मर्जी से बनाना होता है, जो मुझे शौक होता है वो भी, और जो मेरे घर में किसी चीज़ की ज़रूरत है वो भी बना लेती हूँ। अंडिया मैं आपका देख रही थी, आपने बीट से वो घर बनाया हुआ है जिसका टिश्यू बॉक्स ओपन होता है, वो कितने टाइम में बनाया था? वो 8 दिन में बना था। 8 दिन में बना था क्योंकि उसकी डबल स्टोरी है। अच्छा। हाँ, ऊपर वाली स्टोरी जो है वो टिश्यू बॉक्स है। हाँ। नीचे वाली स्टोरी है, उसमें जो दराज हैं उसके अंदर ये टूथपिक रख लो, उसमें कोई ऐसी चीजें जो है ना वो रख सकते हैं, छोटी छोटी दराजें हैं। तो ये सारा आइडिया आपको टैब से ही आया? नहीं, बहुत सारी चीजें मुझे पहले भी आती थी। अच्छा। लेकिन बीड्स और क्रोशिये का काम मुझे नहीं इतना आता था, बीड्स का तो मैंने कभी किया ही नहीं था। अच्छा। तो वो मैंने वहाँ से सीखा और क्रोशिये का काम। आपने पहले कहाँ से सीखा? ये पहले भी सीखा हुआ था? पहले मैंने अपना स्कूल था, मेरा वोकेशनल स्कूल, गवर्नमेंट वोकेशनल स्कूल गुजरांवाला का, वहाँ पे मैंने 3 साल का डिप्लोमा किया था। अच्छा। वो डिप्लोमा मेरे पास भी है। तो डिप्लोमे के फिर बाद में जब मेरी शादी हो गई उधर, उसके बाद फिर मैंने घर में आकर भी काफ़ी, जब भी वक्त मिलता था तो मैं कोई ना कोई चीज़ बनाती रहती थी। उसके बाद फिर जब ये टीवी वगैरह आ गए उसके ऊपर, फिर जब चीज़ें सिखानी शुरू की, फिर मुझे शौक पैदा हुआ कि मैं वो चैनल कहीं निकाल के देखूं जिसमें मेरे मतलब की कोई चीज़ें हों। अच्छा। क्योंकि मैंने कभी ड्रामे और फिल्में मैंने नहीं देखी, कभी फिल्म, कभी ड्रामा नहीं देखा, कभी नहीं मैंने देखा। पहले देखती थी हसीना मोइन के, सॉन्ग्स भी वगैरह कुछ नहीं आते। हसीना मोइन के ड्रामे मैंने देखे हैं, बाकी और कभी नहीं किसी के देखे, किसी के नहीं देखे। तो आंटी मुझे ये बताएं कि आपने कहा ये कोर्सेज किए हैं आपने, तो उसमें पेंटिंग वगैरह भी करती थी? पेंटिंग भी करती थी, हर चीज़ कर लेती हूँ अल्लाह के फजल से, कोई भी चीज़ बनानी हो बना भी लेती हूँ। ये थर्माकोल से बहुत सारी चीज़ें मैंने बनाई। अच्छा। जानवर बनाए, फूल बनाए मैंने बहुत सारी चीज़ें, ये बोतलें पेप्सी की बोतलें हैं उनको काट के मैंने बहुत कुछ बनाया, गुलदान बनाए, ये वो मैंने कोई चीज़ छोड़ी नहीं है। ढक्कन जो है उसके मैंने गमले बनाए, ढक्कन जो ये डब्बे हैं दूध के डब्बे हैं उनके ऊपर ढक्कन है उसके भी मैं बनाती हूँ। मुझे तो पेंटिंग्स में मुझे बताएं अभी तक क्या क्या बनाया, और पेंटिंग किस किस्म की बनाती हैं आप? कलर करती हैं या नहीं? कलर वाली भी, जब ब्लैक एंड वाइट भी बन जाती हैं चीज़ें, और कलर वाली बनाती हैं आप? नहीं, कढ़ाई वाली भी बनाती हूँ। अच्छा। कढ़ाई वाली भी बहुत सारी बनाती हूँ, जो भी मुझे कोई पसंद आ जाता है ना, फूल पसंद आ जाता है तो उसको मैं आउटलाइन दे लेती हूँ उसी वक्त, उसके बाद फिर मैं उसको इनलार्ज कर लूँ या किसी तरीके से उसको बना के फिर मैं अपने शौक से उसको कढ़ाई कर लेती हूँ। मैं आपकी एक पेंटिंग देख रही थी, बहुत खूबसूरत बनाई हुई थी, जो कि आपने वो धागे का सारा काम किया आपने उसमें, क्या उसकी स्टोरी मुझे बताएं कि वो कैसे बनाई थी? वो स्कूल में बनाई थी, जो हमारा स्कूल के चीज़ें बनवाते थे ना, एक हर क्लास की एक 3 साल का कोर्स होता है। अच्छा। उसमें आधा टाइम लगता है कटिंग की क्लास का और आधा लगता है एम्ब्रॉयडरी का। अच्छा।
तो एम्ब्रॉयडरी में फिर जो उस दिन बन सकता था वो मैं बनाती थी, बाकी घर में जाके मैं बनाती थी। तो इसके लिए बड़ा पुरसकून होना पड़ता है कि पुरसकून हो के कोई चीज़ को बनाए, उसमें कोई मुखल ना हो। फिर मैं वो चीज़ें जो है ना अपने कढ़ाई में करती थी, लेकिन मेरा शेड वाला जो काम था मेरी टीचरों को बहुत पसंद था, इसलिए कि मेरी उसमें सफाई बहुत थी। आंटी आपने मुझे सुना है कि आपने मलका विक्टोरिया का भी बनाया था, पिक्चर बनाई हुई है, तस्वीर बनाई थी। मलका विक्टोरिया की नहीं बनाई थी, मलका जो ईरान की मलका थी। अच्छा। हाँ, फरादीबा उसकी बनाई थी। अच्छा, उसकी बनाई, उसकी तस्वीर बनाई थी, गिरा के टांके से बनाई थी मैंने। अपने मियाँ की तस्वीर बनाई थी, वो भी गिरा के टांके से बनाई थी, टाई भी बनाई, ऐनक भी बनाई और मुंह का शेड भी यहाँ से। उसमें कितना टाइम लगा था आपको बनाते? उसको काफ़ी टाइम लगा था, अब इतने 40-50 साल की बात है, अब मुझे पूरा वक्त तो याद नहीं है कितना लगा था, लेकिन काफ़ी दिन लगे थे। तो मैंने वो उस वक्त मलका जो ईरान की मलका थी ना, वो पाकिस्तान के दौरे पे आई थी। अच्छा। तो मैंने कोशिश की थी कि मैं ये अपनी उसकी बना के तस्वीर तो मैं उसको गिफ्ट करूँगी, लेकिन वो मैं उस तक पहुँच नहीं सकी। वो आपका वो फिर मेरे पास ही रह गई। वो उनका दौरा जो था ना, एक दिन का इधर था, बाकी उन्होंने इस्लामाबाद जाके इधर उधर जाके चले गए, वापस चले गए, इसलिए फिर मुझे मौका नहीं मिला। आप अभी बता रहे थे कि आपके पोते को भी बड़ा शौक है पेंटिंग का। हाँ जी। और वो भी आपसे, आप उसको भी सिखाती हैं पेंटिंग करना? हाँ, मैं उसको भी सिखाती हूँ, उसको मैं बताती हूँ कि ये जो तुम यहाँ से गलत कर रहे हो, यहाँ से ठीक करना है, यहाँ से इस तरह मोड़ना है, यहाँ पे ये शेड लगाना है। अब मैंने वो एक एक ब्रश के साथ एक एक रंग लगाता था, मैंने कहा एक ब्रश से तीन रंग लगा सकती हूँ। अच्छा। तो वो तीन रंग लगा बनाती हूँ, रखती हूँ उसमें ब्रश को गीला करके पेंटिंग से पेंट से, तो फिर मैं उसको करती हूँ तो वो तीनों रंग आ जाते हैं। आंटी माशाल्लाह आपकी उम्र 80 साल है और आप थकती नहीं है कि कभी आप ये चीज़ें बनाते बनाते कि बस सब ठीक है? शौक जिस चीज़ का हो ना उसमें बंदा थकता नहीं। अच्छा। शौक में नहीं थकता, मजबूरी में थकता है। नहीं, आप कढ़ाई करती तो आंखें दर्द नहीं करती आपकी? नहीं, अल्लाह रहम करे, नहीं मेरी आंखें ना मेरी आंखें दर्द करती है, ना मेरा दिल दर्द करता है, ना मेरा सिर दर्द करता है, कुछ नहीं करता। आपको बस अच्छा लगता है? कुछ भी नहीं करता, मुझे अच्छा लगता है। तो बस मैं ये है कि शौक जब मुझे मैं थक जाती हूँ तो मैं छोड़ देती हूँ। आंटी अभी तक कितने बच्चों को सिखा चुकी हैं ये? बहुत से, मैंने 50-60 अपने गांव के जो है ना उनकी लड़कियों को सिखाया। अब उनकी शादियाँ हो गई, अब बाल बच्चे वाली हो गई। अब लड़के जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, उनको भी मैंने पढ़ाया था, लड़कों को भी पढ़ाया था। कुछ औरतें थीं, उनको औरतों को भी शौक था कि हमारी बेटियां दूर दराज इलाकों में ब्याही हुई हैं, हमने कभी उनका हाल वाल पूछना होता है तो हमें खत लिखना सिखा दो। फिर उनको तख्तियों के ऊपर पहले मैंने खत लिखना सिखाया, फिर वो लिख लेती थी तो बड़ा शुक्रिया मेरा आके अदा करती कि मेरी बेटी का आज खत आया है। उसने कहा कि बहुत आपने अच्छा काम किया कि आपने खत लिखना सीखा और हमारा हाल अहवाल पूछ लेती हैं। आंटी आप कितना पढ़ी हुई हैं? मैं मैट्रिक तक पढ़ी हुई हूँ, लेकिन उसके बाद बहुत सारी किताबें पढ़ने का भी मुझे बहुत शौक है। जो भी मुझे किताबें अच्छी लगती हैं वो मैं पढ़ती रहती हूँ। आंटी आजकल आप क्या बना रही हैं? आजकल मैं नेकलेस बना रही हूँ। नेकलेस बना रही हैं? नेकलेस मैंने बना के दिया है, मेरे मेहमान आए हुए थे हमारे घर में, फंक्शन था एक, वहाँ से इंग्लैंड से मेहमान आए हुए थे, उनको बना के दिए नेकलेस, अपनी बहू को बना के दिया, उनको भी बना के दिया और यहाँ पे जो हैं उनको भी बना के दिए। लोगों को आप गिफ्ट भेजती हैं? काफ़ी लोगों को, तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में भी भेजे हैं? गिफ्ट मैं जिनको देती हूँ, ख़ास ख़ास लोगों को देती हूँ, हर एक को मैं गिफ्ट नहीं दे सकती क्योंकि इतने तो मैं बना नहीं सकती। तो जो मेरे पास ख़ास लोग आते हैं वो कोई फरमाइश करते हैं कि हमें ये दे दो। अच्छा। तो फिर मैं उसको कहती हूँ कि आज मुझे ऑर्डर दे दो, क्योंकि मेरे पास एक एक आइटम है तो वो तो मैंने नमूने के तौर पे रखी हुई है। आंटी आपको लोग आगे फरमाइश करते हैं तो आप उनसे चार्ज क्यों नहीं करती? नहीं, मैं उनको कैसे कर सकती हूँ? नहीं, कोई आपके पास आए, कोई ऐसे नहीं कि आप उनको कहते हैं ऑर्डर? बहुत सारे पहले शुरू में जब हम इधर आए हैं तो बहुत सारी औरतें हमारे पड़ोसने आती थी, वो कहती थी हमारी बेटियों को भी सिखाओ, हमें भी सिखाओ। तो मैं कहा फिर मेरा काम रह जाएगा अगर मैं सिखाने लगे तो फिर मेरा काम कौन करेगा, मैं अपना शौक नहीं पूरा कर सकती। आंटी आप न्यू जनरेशन को क्या पैगाम देती हैं? मैं यही कहती हूँ कि ये आईपैड और ये मोबाइल वगैरह इनको छोड़ो, ये किसी काम नहीं आएंगे, आपकी ज़िंदगी बर्बाद करेंगे, आपके दिमाग को थकाएंगे, आपकी आंखों को ख़राब करेंगे,
ये काम ना करें, कुछ दिलचस्पी की चीज़ें आप देखें और उसको करें। आईपैड तो आप भी यूज़ कर रही हैं? नहीं, आईपैड पे मैं कोई ड्रामे या फिल्में या कोई ऐसी चीज़ें नहीं देखती मैं, या तो ये जो शाम को प्रोग्राम लगते हैं ना, ये किसी वक्त बिजली ना हो तो वो मैं देख लेती हूँ। तबसरे जो होते हैं, क्यों नहीं बनाती ऑडियंस को, क्यों नहीं आप कन्वे करती अपना जो हुनर है? नहीं, मैं करती हूँ, सबको दिखाती हूँ, देती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मैं दे सकती, इसलिए कि मेरे पास फिर अपने के बनाने के लिए टाइम नहीं रहेगा। आंटी मुझे ये बताएं, आपकी पेंटिंग किन किन ममालकों में जाती है? मेरी जाती है जर्मन जाती है, इंग्लैंड जाती है जमाम में, और अमेरिका जाती है। अच्छा। तो बाकी और काफ़ी सारे शहर हैं, जो तुर्की जाती है, तुर्की में जाती है, और दुबई में जाती है, तो सऊदी अरब में जाती है। इनके इतने ममालिक में आपके पेंटिंग्स जा चुकी हैं, और ये क्राफ्ट जा चुकी हैं, जहाँ पे भी हमारे रिश्तेदार हैं वहाँ पे जा चुकी हैं। और कोई ऑर्डर पे, आपको कोई ऑर्डर दे तो आप बना देंगी उसको? हाँ, बना दूंगी, जरूर बनाऊंगी। आप बनाएंगी? बिल्कुल बनाऊंगी। लेकिन किसी अच्छी चीज का ऑर्डर दे देना तो वो मैं बनाऊंगी। किसी का चार्ज कितना करेंगे आप? चार्ज उसके हिसाब से करूंगी, मेरे बीट्स कितने लगते हैं, कितनी कीमत है उनकी। अच्छा, बीट्स के हिसाब से करेंगे आप? बीट्स के हिसाब से, कोई बीट्स जो है बहुत महंगे हैं, कोई सस्ते हैं, उसके हिसाब से देखूंगी ना मेरे बीट्स महंगे वाले कितने लगे हैं, सस्ते वाले कितने लगे हैं। इनकी लाइफ वैसे है क्या, कितना आपका वैसे कितना एक्सपेंस आ जाता है एक क्राफ्ट पर? ये क्राफ्ट जो है ना, ये ख़राब होने वाली चीज़ नहीं, इसलिए कि इसमें धागा नहीं होता, इसमें फिश वायर होती है। अच्छा। फिश वायर जो है आपको मैली हो जाए, उसके ऊपर गर्द पड़ जाए, मिट्टी वगैरह, तो आप धो सकती हैं, तो इसलिए उसकी लाइफ बड़ी लंबी है। आपको वैसे अपनी बेस्ट पेंटिंग कौन सी लगती है? मुझे तो अपनी सारी अच्छी लगती है, मैं अपनी तो अपनी ये मुझे सीनरी बहुत पसंद है अपनी, क्योंकि इसका मुकाबला कोई नहीं है। बाकी चीज़ें जो है वो कोई ना कोई बना ही लेता है, किसी की अच्छी बन जाती है, किसी की नहीं भी अच्छी बनती, लेकिन ये कोई भी नहीं बना सकता, इसलिए ये मुझे बहुत पसंद है। कितने और मेरी सबसे कीमती भी यही है। अच्छा। इसकी मुझे बहुत बहुत ऑफर हुई है, ये इंग्लैंड तक भी गई है। अच्छा। तो वहाँ से भी बहुत लोगों ने खरीदने की कोशिश की, लेकिन मैंने नहीं बेची। अच्छा, मुझे आंटी ये बताएं कि आपकी ये पेंटिंग आपकी बहुत ज्यादा फेवरेट भी है, आपने बताया भी, मुझे ये बताएं कि इसको हासिल करने के लोगों ने आपको कितने कितने ऑफर करवाई है? मुझे किसी ने 1,00,000 की, किसी ने 2,00,000 की, किसी ने 10,00,000 की, लेकिन मैंने कहा कि मैंने नहीं, कितनी करवाई है? मैंने 10,00,000 तक हुई। अच्छा। थी इंग्लैंड में। अच्छा। उस वक्त मेरा बेटा लेके गया था उधर, तो उस वक्त 10,00,000 हुई थी, लेकिन उसने मुझे पूछा, मैंने कहा मैंने नहीं देनी, इसलिए कि फिर मैंने किसी को और को क्या दिखाना, उसका भी तो जिगर है जो ले रहा है। तो आंटी आप कैलीग्राफी थोड़ी बहुत करती हैं, तो आपको शेरो शायरी भी आती होगी? शेरो शायरी बस आती है, लेकिन अब बहुत साल हो गए। एक शेर सुना देती हूँ ना आपको, कि वो जो मैंने आपको बताया था, आपको मेरा नाम याद नहीं रहता, तो मैं एक अलामा इकबाल का शेर सुनाती हूँ। सादक हूँ अपने कॉल की बिशारत खुदा गुआ, कहती हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे। बहुत शुक्रिया आंटी, आपने हमें टाइम दिया। और नाज़रीन, आपने देखा कि 80 साल खातून है जो कि टेक्नोलॉजी से सीख के उन्होंने बहुत अच्छे से क्राफ्ट भी बनाए और पेंटिंग भी करती हैं। अगर कोई अपनी पेंटिंग करवाना चाहता है या क्राफ्ट बनाना चाहता है, तो हमारे इनबॉक्स में हमारे साथ रब्ता करें। और मुझे देंगे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।